फिंगरप्रिंट्स आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, आंखों के चश्मे को कैसे हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ा सकते हो, आप कैसे अपने आंखों के चश्मे को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हो। इसके साथ साथ कई लोगों की शिकायत है कि उनकी आंखों में दर्द रहता है, आंखों में जलन रहती है, आंखों में चुभन होती है। इन सभी समस्याओं को आप अपने घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हो नेचुरली, वो भी चंद दिनों में, कुछ ही दिनों में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मेरा नाम है किशन कुमार, मैं एक नेचुरोपैथिक प्रैक्टिशनर, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आजकल छोटे छोटे बच्चों के आंखों में भी चश्मे लग चुके हैं। आजकल की हमारी डेली लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हम ज्यादातर टाइम अपने टीवी में, स्मार्टफोन में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, या इसके कारण हमारे आंखों पे बहुत ही ज्यादा जख्म पड़ता है, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है या फिर आंखों की कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। कई तरह की पॉल्यूशन भी है, पॉल्यूशन के कारण भी आंखों में असर पड़ता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा उन टिप्स को फॉलो करके आप अपने आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो, अपने आंखों के चश्मे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हो, अपने आंखों के जलन को ठीक कर सकते हो, आंखों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। टिप्स नंबर वन में, प्रतिदिन आप गाजर का सैलेड खा सकते हो या फिर गाजर का जूस बनाकर सुबह सुबह खाली पेट में पी सकते हो, क्योंकि गाजर में पाई जाती है बीटा कैरोटीन, इसके साथ साथ विटामिन ए पाई जाती है, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपकी आंखों के रोशनी को बढ़ाएगा, आपके आंखों के चश्मे को काफी जल्द हटाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा ये गाजर का जूस। आप गाजर का जूस बना सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं टिप्स नंबर टू की ओर। टिप्स नंबर टू में, आपको प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट में पालक का जूस पीना होगा। पालक का जूस आप अपने घर पे बिल्कुल इजीली बना सकते हो। किसी भी मिक्सर या ग्राइंडर में पानी डालकर थोड़ा सा पालक डालकर उसको पीस कर उसका गाढ़ा पेस्ट बना ले, पानी मिलाकर जूस तैयार कर ले, बिल्कुल ईजी है। क्योंकि पालक बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा आपके आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आपके आंखों से चश्मे को बहुत ही जल्द हटाने के लिए। अब आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में आपके आंखों के चश्मे को ये बहुत जल्द निकाल फेंकेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन ए होती है, विटामिन सी पाई जाती है, यह मैग्नीशियम होती है, इसके साथ साथ आयरन भी इसमें पाई जाती है, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फायदेमंद है, आपकी आंखों से चश्मे को हटाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने टिप्स नंबर थ्री की ओर। टिप्स नंबर थ्री में, प्रतिदिन आप 2 से 3 आमले को सुबह सुबह कच्चे आमले को खा सकते हो। अब आप में से कई लोग कच्चे आमले को नहीं खा पाते हैं, वो लोग आमले का जूस पी सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट 1 ग्लास। अगर आप आमले का जूस खरीदना चाहते हो तो किसी भी प्रोडक्ट का आमला जूस ले सकते हो, पतंजलि का ले सकते हो या फिर अन्य किसी भी प्रोडक्ट का आप आमला जूस ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 3 टिप्स बताए हैं, तीनों में से किसी एक टिप्स को आपको करना है, क्योंकि कभी किसी मौसम में आमला मिलता है तो किसी मौसम में गाजर, किसी मौसम में पालक, तो आप ऐसे अलग अलग मौसमों में इन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आमला जूस आपको 12 महीने मिलेंगे, आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको फॉलो करने होंगे 2 एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आंखों के लिए। सबसे पहले अपने आंखों के जो दोनों पुतलियां, इसको गोल गोल राउंड राउंड आपको ऊपर नीचे घुमाना है। इसके बाद आप जब सुबह बेड से उठते हो, ये आपको सुबह में करना है, जब आप बेड से उठते हो उस वक्त मॉर्निंग में अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ना है, और रगड़ने के बाद में अपने आंखों पे ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए रखना है। इससे क्या होगा, आपकी आंखों का जलन ठीक होगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, इसके साथ साथ आप बहुत ही जल्द अपने आंखों के चश्मे को हटा सकते हो। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो आप नंगे पैर सुबह सुबह ग्रास पे चलना होगा, यानी कि घास पे कुछ दूर चलना होगा। इससे आपकी आंखों की जलन ठीक हो जाएगी, आंखों का दर्द ठीक हो जाएगा, आंखों की चुभन ठीक होने लगेगी, आंख संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो इससे बहुत ही जल्द ठीक होने लगती है, और आप अपने आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हो और आप अपने आंखों के चश्मे को हटा सकते हो कंप्लीटली, परमानेंटली, वो भी नेचुरली बहुत ही कम दिनों में। मैंने इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताए, इनको प्रतिदिन फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन होती है, आंखों में चुभन होती है, आंखों में दर्द रहता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जब आप दूध गर्म करते हैं तो दूध से निकलने वाली जो मलाई होती है, उस मलाई को रात में अपने आंखों के ऊपर पुतलियों पर लगा लेना है, और सुबह उठकर रात भर उसको ऐसे ही छोड़ दे और सुबह उठकर ठंडे पानी से वॉश कर ले। इससे आपकी आंख की जलन बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, आंख के चुभन बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट में 3 टिप्स दिए हैं, गाजर का जूस,
आंवला जूस, इसके बाद पालक का जूस, इन तीनों को आपको मेडिसिन के तरह ही प्रयोग करना है। जब आप मेडिसिन खाते हो तब कोई बीमारी ठीक होती है, बिल्कुल इसी तरह आप इन तीनों को रेगुलरली अगर फॉलो करते हो, रेगुलरली पीते हो, तो आपका आंखों की रोशनी बहुत ही जल्द बढ़ने लगेगी। आप अपनी आंखों के चश्मे को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हो। और मैंने जो एक्सरसाइज बताई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आंखों के लिए। जैसे आप अपने शरीर के ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज करते हो, बिल्कुल वैसे ही आंखों के लिए ये दो एक्सरसाइज आते हैं। इन दोनों एक्सरसाइज को आपको करना होगा अपने आंखों के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।